आज की इस वीडियो में मैं उन अशार की नशानदही करूंगा जो सोशल मीडिया पर जॉन एलिया के नाम से गलत मंसूब हैं और जॉन एलिया के फैंस बगैर किसी तस्दीक के उन अशार को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जॉन एलिया का फ़ैन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन तमाम अशार की नशानदही करूँ और उनके फ़ैंस तक पहुँचाऊँ कि वो बग़ैर तस्दीक के कोई भी अशार जो है वो जॉन एलिया के नाम के साथ मंसूब ना किया करें। ऐसा करने से तो पहला नुकसान तो ये होता है कि जिस शायर ने वो शेर लिखा होता है उसकी और जिस शायर के साथ उस शेर को मंसूब करते हैं उन दोनों की तजलील होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात शेर उस शायर के मयार तक नहीं पहुंच सकता कि जिस आला पाए का वो शायर होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं उन तमाम अशारों को जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे अशार हैं जो जॉन एलिया के नाम से गलत मंसूब हैं, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी ऐसे अशारों को मैंने कवर किया है कि जो बहुत ज़्यादा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जॉन एलिया के नाम से गलत मंसूब हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और दूसरे फैंस तक भी पहुँचाएँगे। तो शुरू करते हैं। पहला शेर है कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। ये जो शेर है ये अकबर आबादी साहब का शेर है जो पाकिस्तानी शायर हैं। फिर अगला शेर, हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। ये शेर जो है बहुत ज़्यादा मैंने फैंस को देखा है कि वो फेसबुक पर इस शेर को शेयर करते हैं, जबकि ये शेर है अब्दुल हमीद अदम साहब का। और अगला जो शेर है वो भी है, जंग इबलीस और खुदा में थी और हम लुट गए अकीदत में। ये आरफ इश्तियाक साहब का शेर है। इसी तरह जॉन एलिया का इसके रिलेटेड एक शेर है कि आदम इबलीस और खुदा कोई नहीं यकसू मुझ में। ये शेर जो है जॉन एलिया का है, जबकि ये जो मैंने भी पहले शेर पढ़ा है ये जॉन एलिया का नहीं है। फिर अगला शेर है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ये शेर जो है वो फराज अहमद फराज साहब का है। अगला शेर है, तू मेरी ज़िंदगी बनोगी तुम, मर गया मैं तो क्या रहोगी तुम, मेरी आदत है काट खाने की, मेरे बोसों को क्या सहोगी तुम। तो ये शेर मैं समझता हूँ कि जॉन एलिया कभी नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ये शेर जो है ये भी आरिफ इश्तियाक साहब का है। अगला शेर है, तुम जो कहती हो छोड़ दो सिगरेट, तुम मेरा हाथ थाम सकती हो क्या। ये शेर मैंने बहुत ज़्यादा फैंस को देखा है कि उन्होंने अपनी वाल पर सोशल मीडिया पर शेयर किया होता है, जबकि ये शेर है अरशद अब्बास जकी साहब का। फिर अगला शेर है कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ। ये भी शेर जो है बहुत ज़्यादा लोग गलत मंसूब करते हैं जॉन एलिया के साथ, जबकि ये शेर है शहजाद शाह कोई शायर है उनका है। अगला शेर है कि जानी क्या आज मेरी बरसी है, या क्या आज के दिन मर गया था मैं। तो ये भी शेर जो है मसवर पीरजादा साहब हैं कोई उनका है। फिर नेक्स्ट शेर है कि ये भी स्टार्ट में जो शेर है इसको मैं भी समझा करता था कि ये जॉन एलिया का है, लेकिन तस्दीक के बाद मुझे पता चला कि ये जॉन एलिया का नहीं है। ये शेर है कि ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। ये जमाल एहसानी साहब का शेर है जो जॉन एलिया के बहुत करीबी दोस्त थे। फिर अगला शेर है, अपनी गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से। ये शेर है नदीम बाबा साहब का कोई शायर हैं। फिर अगला शेर है, खुदकुशी तक आराम हराम है यानी, ये भी मुमकिन नहीं कि मर जाऊँ। ये अनवर शाऊर साहब का शेर है। फिर अगला शेर है, बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं थे, उसे भी जॉन का गम था मगर रोया दिसंबर में। ये उमैर कुरैशी साहब का शेर है। अगला है, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये मंजर भोपाली साहब का शेर है। फिर अगला शेर है कि ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मैं हुर्फे कुन हूँ फरमाया गया हूँ। ये है वासिफ अली वासिफ साहब का शेर है। फिर अगला है, सुपुर्दे हाक ही करना है मुझे तो फिर काहे को नहलाया गया हूँ। ये हफीज़ जलंधरी जो पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं उनका शेर है। और अगला आखिरी शेर है, अभी तदफीन बाकी है अभी तो लहू से पहले नहल अभी तदफीन बाकी है अभी तो लहू से अपने नहलाया गया हूँ। ये रईस अमरोही जॉन एलिया के जो चचाजाद भाई थे ये उनका शेर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि जितने भी शेर मैंने पढ़े हैं ये जॉन एलिया के नहीं हैं, ये उनके साथ गलत मंसूब किए गए हैं।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जितने भी मेरे फैंस वीडियो देख रहे हैं कि वो किसी शेर को जॉन एलिया के साथ मंसूब करने से पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर मुझसे कंफर्म कर लिया करें, मैं तस्दीक कर दिया करूँगा। या फिर फेसबुक पर भी आप मुझसे